विश्व संवाद केंद्र ने मनाई आधी संवाद वाहक नारद जी की जयंती। मूल्यों पर आधारित हो पत्रकारिता, हर्षवंदर त्रिपाठी। नारद जी की पत्रकारिता लोक विश्व मंगल जन कल्याण के लिए। मुरादाबाद विश्व संवाद केंद्र ने नारद जयंती के शुभ अवसर पर व्हाइट हाउस में पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां विषय पर पत्रकार गोष्ठी का किया आयोजन। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता दूरदर्शन न्यूज के वरिष्ठ संपादक अशोक श्रीवास्तव, मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार हर्षवंदन त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधीर मिट्टा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता IFTM विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शुक्ला द्वारा की गई। गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए डॉक्टर विशेष गुप्ता द्वारा विशेष प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सृष्टि के प्रथम संवाद वाहक के रूप में देवऋषि नारद जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। वे भारतीय संस्कृति के ध्वज वाहक हैं। हम नारद जी का पत्रकार रूप देखे कि देवता असुर साधारण व्यक्ति तक जहां आवश्यकता होती थी वहां नारद जी उपस्थित होते थे। वे शत्रु तथा मित्र दोनों में ही लोकप्रिय थे। आनंद भक्ति विनम्रता ज्ञान कौशल के कारण उन्हें देवऋषि की पदवी प्राप्त थी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधीर मिट्टा ने कहा कि पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां वास्तव में नारद जी के जीवन चरित्र से ही लिया गया है। पत्रकारिता में चुनौतियां उस समय भी थी और आज भी है। ये अलग बात है कि कुछ चुनौतियां समय के हिसाब से बदल गई हैं। इस अवसर पर विभाग प्रचार प्रमुख पवन जैन ने कहा कि पत्रकार को समाज के सजग प्रहरी के रूप में देखा जाता है। एक पत्रकार सामाजिक परिवर्तन के लिए जो त्याग करता है वह त्याग ही समाज को गति प्रदान करता है। समाज के प्रत्येक वर्ग की आवाज पत्रकार होता है। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने अपने सारगर्भित संबोधन में कहा कि भारत की पत्रकारिता का भारतीयकरण किए जाने की महती आवश्यकता है। पत्रकार का पत्रकारिता के सामने पहले भी चुनौतियां थी और आज भी हैं। आज के डिजिटल युग में पत्रकारिता के समक्ष कोई नई चुनौतियां नहीं आई हैं, बल्कि चुनौतियों का स्वरूप बदला है। सोशल मीडिया की फेक न्यूज बड़ी समस्या बन गई है। अधूरी और गलत जानकारी लिए सोशल मीडिया ने आज हर आदमी को सिटीजन रिपोर्टर बना दिया है, जिस कारण मीडिया का स्वरूप बदलता जा रहा है। मौजूदा समय में सिद्धांतों के साथ साथ तकनीकी के क्षेत्र में भी मीडिया को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नारद जी लगातार भ्रमण करते थे, आज पत्रकारों को उनके इस गुण को सीखना चाहिए। पत्रकार अगर बैठ जाएगा तो समाज से उसका संपर्क टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता और प्रमाणिकता का संकट है। बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में अधिक चुनौतियां हैं। छोटे पत्रकारों के पास कोई अधिकार नहीं है। पत्रकारिता के जनक नारद जी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कृष्ण जी ने महाराजा अग्रसेन को नारद जी के बारे में बताया कि नारद जी में प्रेम नहीं है, क्रोध नहीं है, चपलता नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। नारद जी अपनी प्रशंसा नहीं करते। नारद जी वेदों के ज्ञाता हैं, लोभ मोह आदि से दूर हैं, अर्थ की प्राप्ति से प्रसन्न नहीं होते। यही एक पत्रकार के गुण हैं। DD न्यूज के वरिष्ठ संपादक एवं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अशोक श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार को बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ेगा। 3 दिन में 2 यूट्यूबर के खिलाफ कांग्रेस ने FIR की है। देश में एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। 2 लोगों के खिलाफ FIR करने का मतलब यह है कि 200 लोग चुप होकर के बैठ जाएंगे। यह पत्रकारों के समक्ष बड़ी चुनौती है। कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शुक्ला ने कहा कि पत्रकार के सामने आर्थिक संकट बहुत अधिक है। आज अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। कार्यक्रम का संचालन राजीव ढल द्वारा किया गया। महानगर प्रचार प्रमुख संजीव चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम गायन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ओम प्रकाश शास्त्री, डॉक्टर विनीत गुप्ता, देवेश सिंह, प्रशांत मिश्रा, राजेश तोमर, हरि मोहन गुप्ता, स्पर्श गुप्ता, कुलदीप वर्मा, प्रमोद कुमार, राकेश मिश्रा, प्रदीप रस्तोगी, सचिन कुमार, प्रतीक गौतम, डॉक्टर मुदित सिंगल, साहित्य अनेक कार्यकर्ता एवं महानगर के सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, प्रमुख चैनलों के प्रतिनिधि, पोर्टल पत्रकारों के प्रतिनिधि, साहित्यकार एवं सोशल मीडिया से जुड़े सभी आधुनिक विद्याओं के इन्फ्लुएंसर उपस्थित थे। UP मुरादाबाद से डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बोलने दी जाएगी ये भाषा के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को बंधनाने का ये तो सिलसिला नया नहीं है, आप जानते हैं।
दक्षिण भारत में तो पूरी तरह से भाषा के नाम पर भड़काया गया। आज से भी 1947 से राहुल गांधी वही खेल खेल रहे, भाषा के नाम पर भड़काना, लोगों के खून के नाम पर भड़काना। क्या मलयाली लोग मलयाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको संविधान मिला? मलयाली तमिल, तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, तो क्या संविधान आया तब लोगों को तमिल बोलने की अनुमति मिली? ये सब झूठ बोले जाते हैं। लेकिन क्या वायनाड के इस इंटरव्यू के बाद किसी फैक्ट चेकर ने, किसी अखबार ने इसके ऊपर एक संपादकीय लिख करके ये सवाल उठाए कि राहुल गांधी ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं कहता हूं ये चुनौती है मीडिया के सामने। एक और आप बात आपको बताता हूं, अभी मेरे परिचय देते हुए मेरी किताब का जिक्र किया, मोदी वर्सेस खान मार्केट क्या है, ये वो किताब है। और मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखाते हैं, वो झूठ बोलते हैं, फेक नैरेटिव फैलाते हैं, और उस फेक नैरेटिव का जवाब आपको सही नैरेटिव से, सही इंफॉर्मेशन से देना है। चुनौती ये है। अभी हाल में मैंने जो किताब लिखी थी, एक जुमला आप सुनते होंगे लगातार, चुनाव भी चुनाव से पहले भी सही लोगों के साथ साथ मालूम है। क्या इस देश के मीडिया ने यह पड़ताल करने की कोशिश की कि 700 किसान वास्तव में मारे गए कि नहीं मारे गए? पूरा विपक्ष जो है झूठ बोलता रहा। मैं नहीं जानता, मैं किसी मामलों का विशेषज्ञ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो कृषि कानून जो आए, जो गीत कृषि कानून थे, उनमें सुधार की पर्याप्त गुंजाइश हो सकती है, इसमें कोई दोराय नहीं। उसमें हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो किसानों के लिए ठीक ना, उनको बदला जा सकता था। सरकार को मजबूर कर दिया, इस सरकार को जिसके पास 303 का बहुमत था, जिसको बड़ी एग्रेसिव सरकार, जिसके नेता को तानाशाह कहा जाता है, उस सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। इतने झूठ बोले गए, इतने झूठ बोले गए। क्या इस झूठ को लेकर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए थे इस देश में? कुछ लोगों ने उठाए, लेकिन उस झूठ को सवाल उठाने वाले जब वहां पर जाकर लोग ये कहते थे, ये एक झूठ और फैलाया गया, अरे ये खालिस्तानी, खालिस्तानी कैसे किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है? किसी किसान को खालिस्तानी नहीं कहा जा रहा था, और कहा गया तो गलत है। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि इस आंदोलन में खालिस्तानी है, वो खालिस्तानियों को खालिस्तानी कह रहे थे, किसानों को खालिस्तानी नहीं कह रहे थे। और खालिस्तानी वो था जो इस किसान आंदोलन में खालिस्तान का झंडा लेकर गया, जो झंडा लेकर आंदोलन स्थल पर गया, खालिस्तानी नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? जो भिंडरवाल की टी शर्ट पहन के जाएगा उसको खालिस्तानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन क्या किसी ने सवाल पूछा? और जो लोग वहां जाकर सवाल कर रहे थे, कि आपने कई ऐसे पत्रकार थे जो गए और जिन्होंने कहा कि भिंडरवाला की टी शर्ट पहनकर आप यहां घूम रहे हैं लोग, तो उसको गोली मीडिया कहकर उसको खदेड़ कर भगा दिया गया। ये गोली मीडिया वाले वहां पर ट्रैक्टर के ट्रैक्टर पहुंचे जिनके ऊपर खालिस्तानी झंडा लगा था, AK-47 की गन रखी थी। अरे किसान थे, हल की तस्वीर लेकर जाते, ट्रैक्टर की तस्वीर लेकर जाते, AK-47 की तस्वीर लेकर जाने वाले किसान हो सकते हैं क्या? अगर उनसे सवाल पूछा जाएगा तो आप गोली मीडिया हो गए? ये सारे सवाल है जो मुझे लगता है जिन पर चिंता होने की जरूरत है। लेकिन मोटे तौर पर मैं अंत में एक बात कहता हूं, जो 700 किसान जो जिनकी मौत हुई, इसको लेकर एक मुद्दा बनाया गया। क्या 700 किसानों की मौत हुई इसकी किसी ने पड़ताल की? 700 किसानों की जो मौत की बात आई, मैंने जो आंदोलनकारी थी उनसे मैंने कहा कि आप अपनी एक लिस्ट दीजिए, वो लिस्ट दीजिए जिसमें इन किसानों के नाम है। वो 700 किसानों की लिस्ट मेरे पास आई, आंदोलनकारियों की के मार्फत आई। और जब मैंने उस लिस्ट की पड़ताल करनी शुरू करी तो जानते हैं उसके अंदर 2 साल का एक बच्चा था, 2 साल के एक बच्चे का नाम था, जो बेचारा रोड एक्सीडेंट में जिसकी देहांत हो गया था, उसको उस लिस्ट में डाल दिया गया। 2 साल के बच्चे को, 12वीं में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, और 700 में से 600 से ज्यादा किसान जिनकी मृत्यु हुई वो अपने गांव में उनकी मृत्यु हुई, किसी बीमारी से मृत्यु हुई, और बीमारी उस वक्त कौन सी थी? कोरोना थी।
तो सवाल मेरा यह है कि इस तरह की चीजों की पड़ताल क्यों नहीं होती। और हम हिंदुस्तानियों की मेमोरी बहुत शार्प शॉर्ट होती है, हम लोग भूल जाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून CAA आया इस देश में। नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद क्या कहा गया कि इस देश में मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, क्या कि लोगों की नागरिकता चली जाएगी। आज वो नागरिकता संशोधन कानून को रोकने के लिए लगातार जो है फेक नैरेटिव फैलाए गए। दिल्ली में शाहीन बाग बना, दिल्ली में दंगे हुए, 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन आज तो नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया। जब CAA कानून आया तो यह तक कह दिया गया था कि इस देश के मुसलमान दाढ़ी और टोपी नहीं लगा पाएंगे, CAA लागू हो जाएगा तो। लेकिन ये झूठ निकला ना, तो इतने झूठ बोले जाते हैं। मुझे लगता है कि आज जरूरत इस बात की है कि हम समाज के रूप में जागरूक हों। मीडिया के सामने जो चुनौतियां हैं वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चुनौती हमारे सामने भी है, समाज के रूप में है। हम लोग झूठ के बहका